ओप्पो रेनो 8 सीरीज जो है फाइनली लॉन्च हो गई, और यहाँ पर दोनों का प्राइस आ गया है, दोनों के ऑफर्स आ गए हैं। मगर ओप्पो रेनो 8 प्रो जो है वो इतना बढ़िया नहीं आया, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड हो गया। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ओप्पो रेनो 8 के बारे में बात करेंगे, कैसे 24,000 रुपये में ले पाओगे स्मार्टफोन को। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जरूर वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपने नहीं किया। आज का वीडियो स्टार्ट कर गाइस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तगड़ी डील है अगर ये आपको 24,000 रुपये में मिल जाता है तो, क्योंकि 24,000 रुपये में आई थिंक ओप्पो रेनो 8 से अच्छा फ़ोन मुझे नहीं लगता कोई होगा। बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोन है उस प्राइस रेंज में। चलिए बात कर लेते हैं, और हाँ मैं ये भी बात करूँगा कि कुछ चीज़ें इसमें नहीं हैं तो वो भी याद रखिएगा, वो भी बात करेंगे। चलिए बात करते हैं ऑफ़र ही के बारे में। सबसे पहले 30,000 का स्मार्टफोन है, 3,000 रुपये का आपको ऑफ़ मिल रहा है कार्ड में, डेबिट कार्ड भी हो क्रेडिट कार्ड भी हो चलेगा, EMI में भी ले रहे हो तो चल जाएगा, ठीक है। तो 3,000 का तो आपको ऑफ़ मिलेगा इन चार बैंक में, HDFC, ICICI, ICICI सॉरी HDFC, ICICI और एक और एक्सिस बैंक है और SBI बैंक, इन चार बैंक में आप लोगों को जो है यहाँ पर ऑफ़ मिल जाएगा। शायद एक्सिस बैंक नहीं है, कोई और था बैंक था या मुझे याद नहीं आ रहा, बैंक ऑफ बड़ौदा है शायद, हाँ। तो ये चार बैंक में आपको ऑफ़र मिल जाएगा, तगड़ी बात है। 3,000 रुपये का डेबिट कार्ड भी मिल रहा है, डेबिट कार्ड तो होता ही लोगों के पास, ठीक है। तो 3,000 ये हो जाएगा, 3,000 रुपये आपको और ऑफ मिल जाएगा। कैसे मैं बता देता हूँ, देखिए 3,000 रुपये आप लोगों को और कैसे एक्सचेंज में मिल जाएगा। मुझे पहले लगा था हर मोबाइल के एक्सचेंज में दे रहे होंगे, बट नहीं यार, प्रॉब्लम यह है कि आपको अगर आपके पास पुराना ओप्पो का मोबाइल है तो अगर उसकी मोबाइल की वैल्यू 2,000-3,000 है तो प्लस 3,000 आपको और मिल जाएगा। जैसे 5,000 है मिसलन, तो 5,000 प्लस 3,000 रुपये जो डिस्काउंट दे रहे हैं तो 8,000 रुपये। मगर 5,000 आप लोग अपना पुराना मोबाइल दे रहे हो तो उसके हम नहीं काट रहे हैं, तो 3,000 ये 3,000 वो 6,000 रुपये हो जाता है टोटल। तो 30,000 में लॉन्च हुआ है 8GB 128, तो आपको 24,000 में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है यार, मुझे फ़ोन उस प्राइस में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले तो उसका बिल्ड डिज़ाइन 24,000 में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार, बिना कवर के लेके जाना है इसको बाहर, बहुत ज़्यादा बढ़िया मज़ा आने वाली है आपको। डिस्प्ले में 6.43 इंच का एक AMOLED पैनल है, 90 रिफ्रेशिंग रेट है, आपको साइड पंचोल मिल जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम डिस्प्ले आपको देखने मिल जाता है। देन यहाँ पर आप लोगों को जो चिपसेट वो डायमेंसिटी का 1300 वाला चिपसेट मिल जाता है, जो चिपसेट है 7 लाख स्कोर करीब आपको मिल जाते हैं, तो बढ़िया वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी हो जाने वाली, गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छे से हैवी टास्क भी हो जाएगा। कैमराज में भी आपको जो है थोड़ा कैमरा में डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि 50 पिक्सल का कैमरा मिलता है, OIS का सपोर्ट नहीं मिलता है, 2 पिक्सल के 2 पिक्सल का लेंस दिए गए हैं, जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगी इस प्राइस रेंज में, और OIS भी देना चाहिए था, तो ये भी एक सैड बात, मतलब कौन में आएगा। सेल्फी में 30 पिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, वहाँ से 1080 में वीडियो बना पाओगे, रियर से 4K कर पाओगे। बैटरी में आ जाता हूँ, तो 4.5 mAh की बैटरी प्लस टाइप सी 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, ये बहुत अच्छा है, 24,000 में मुझे थम्स अप लगा। UI में बात कर लेते हैं, एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ बॉक्स होगा, एंड ये आपको जो है कलर वर्स रन करने में मिलेगा, थोड़े से ब्लोटवेज होंगे बट उसको आप भी रेट शेयर से कर पाओगे। भेजिए पूरा यहाँ पे ओप्पो की तरफ से, ओप्पो का रेनो 8 जो आप लोगों को 24,000 में मिल रहा है, आई थिंक उस प्राइस रेंज में एक बहुत ज़्यादा तगड़ी डील है और बहुत अच्छी डील है, ठीक है। आप लोगों को लेना है ना तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इस फ़ोन को जाके लो, एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर मैं एक और बात बताने वाला था कि यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक भी मिलेगा। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक OIS थोड़ा कैमरा में जो 2 पिक्सल कैमरे थे वो भी अच्छा नहीं है, देन यहाँ पर OIS एंड देन ये 3.5 mm जैक, तो ये जो चीज़ें हैं इसको देख लेना। उसके बाद अगर आप लिस्ट लेना चाहते हो तो फिर ले सकते हो, प्राइस अच्छा मिल रहा है अगर आप लोग लेना चाहते हो तो। वैसे मगर मैं अभी रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि ओप्पो अगर जिनके पास है उन्हीं के लिए डील है, और जिनके पास ओप्पो नहीं है तो दूसरा मोबाइल एक्सचेंज करना चाहते हो तो उनके लिए तो नहीं है डील। तो बट टेंशन मत लो, आगे बहुत सारी सेल आने वाली है, और अभी तो सेल का सीज़न आने वाला है, तो इसलिए इंतज़ार करो थोड़ा, और अच्छी सेल में अच्छे ऑफर में आपको देखने मिल जाएगा ओप्पो का रेनो 8, और अच्छा स्मार्टफोन है, ठीक है। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट फीचर इसका डिज़ाइन, फास्ट चार्जिंग है, इस रूम में सुंदर रखता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। हम कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए डेली वीडियोस बनाने के लिए, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो बनता ही है। एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।